प्रमुख रबी फसलों में शुमार खेसारी दाल। इसका खाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। लोगों के बीच खेसारी दाल की लोकप्रियता इतनी रही कि इसे गरीबों का दाल तक कहा जाता था। लेकिन 1961 में खेसारी दाल की खेती को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण है खेसारी दाल में पाए जाने वाला एक हानिकारक रसायन ओपेड एसिड की उपस्थिति होना। समय बीतने के साथ भी आम लोग आज भी खेसारी दाल या खेसारी साग का स्वाद नहीं भूल पाए। लोगों के बीच खेसारी की लोकप्रियता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने खेसारी की कुछ ऐसी किस्मों को विकसित किया है जिसमें मौजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन की मात्रा को लगभग नगण्य कर दिया गया है। बिहार के किसानों के लिए अब अच्छी खबर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित परियोजना बायोटेक किसान हब प्रोजेक्ट के द्वारा खेसारी की दो किस्में रतन और प्रतीक की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी अब न तो खेसारी की खेती पर रोक है और न खाने पर। ऊपर से परियोजना द्वारा खेसारी की इन किस्मों को लगाने पर मदद भी दी जा रही। खेसारी परंपरागत रूप से बिना कोई ज्यादा खर्च या मेहनत से उपजाई जाने वाली दलहनी फसल है। इसकी नई किस्म रतन और प्रतीक की खेती पहले की तरह ही आसान है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि खेसारी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। खेसारी की शुद्ध फसल की खेती के लिए धान की कटाई के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करने के बाद कल्टीवेटर से दो बार जुताई कर पाटा चला दें। वहीं पैरा फसल आप लगा रहे हैं तो जुताई की आवश्यकता नहीं है।